बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। जी हां, जिस तरीके से एशियन गेम्स में भारत ने मेडल के हिसाब से नया इतिहास रचा है, आपको बता दें भारत ने अब तक सबसे ज्यादा मेडल्स किसी एक एशियन गेम्स में जीते हैं। उसने जकार्ता में 70 मेडल्स जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में भारतीय एथलीट्स इस बार इस बात की उम्मीद की जा रही है कि वो मेडल्स का शतक जड़ सकते हैं। इस बार जब एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट चीन के हांगझोऊ में खेलने जा रहे थे, तब जो लक्ष्य रखा गया था तो इस बार था कि इस बार 100 पार यानी मेडल टेबल में 100 पदक जीतने का चैलेंज। वैसे भारत के एथलीट्स ने जिस तरह का अब तक एशियन गेम्स में प्रदर्शन किया है, उससे इस बात की पूरी उम्मीद है कि मेडल्स की सेंचुरी पूरी हो सकती है। ऐसा भारत एशियन गेम्स में इतिहास में कभी कर नहीं पाया है। वैसे 4 अक्टूबर को जैसे ही भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम में शामिल ज्योति बेनम और ओजस देवताले की भारतीय मिश्रित टीम ने गोल्ड मेडल जीता, भारत के कुल मेडल 70 पार हो गए यानी 71। इसके बाद भारत ने जकार्ता एशियन गेम्स में 2018 में 70 पदक जीतने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। भारत ने 2018 में जकार्ता में हुए एशियन गेम्स में कुल 70 पदक अपने झोली में डाले थे। तब भारत के खाते में 16 गोल्ड, 23 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज समेत कुल 70 पदक आए थे। लेकिन अब इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारत के एथलीट जो लक्ष्य इस बार 100 का रखा गया है, उसको हांगझोऊ जो गए हैं 100 का लक्ष्य लेकर, उसको जरूर पूरा करेंगे यानी कि उसको अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी भारत के कई टीम और इंडिविजुअल खेल बचे हैं जहां पदक जीतने की संभावना है। नीरज चोपड़ा का जेवलिन में पदक जीतना लगभग तय है। आप सबको पता है जिस तरीके से जेवलिन में नीरज चोपड़ा का जो दमखम है या जो अभी तक रिकॉर्ड उन्होंने बनाए हैं, उससे भारत की टीम या भारत के जो कोच है वहाँ पे या भारतवासी पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि नीरज जो है वो गोल्ड पदक जीतेंगे। अगर बात की जाए बॉक्सिंग में, लवलीन बोरगोहेन भी मेडल जीतेंगी, महिला और पुरुष हॉकी से भी उम्मीद है। एथलीट्स कुश्ती बैडमिंटन के कई इवेंट में भी भारत को मेडल जीतना तय माना जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए 1951 में पहले एशियन गेम्स का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था, तब भारत ने 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज यानी कि कुल 51 मेडल जीते थे। 15 गोल्ड मेडल जीतने का तब एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। भारत द्वारा एशियन गेम्स में 15 गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड काफ़ी लंबे अरसे से कायम रहा। एक के बाद एक कई एशियन गेम्स में भारत ने खेले लेकिन 15 गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड जस का तस बना रहा। 1982 में एक बार फिर से भारत ने एशियन गेम्स की मेजबानी की, तब भारत इस रिकॉर्ड के करीब आया। उस साल हुए एशियाड में भारत ने 13 गोल्ड, 19 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज समेत कुल 57 पदक पर अपना कब्जा किया। लेकिन 1951 में जीते गए 15 गोल्ड से तब भी भारतीय दल पीछे रह गया। लेकिन 2018 में जकार्ता में हुए एशियाड में भारत ने अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 16 गोल्ड समेत कुल 70 पदकों पर कब्जा किया। यानी कि सबको उम्मीद है, भारतवासियों को उम्मीद है, जितने खेल प्रशंसक हैं उनको उम्मीद है कि भारत इस बार मेडल की सेंचुरी जरूर लगाएगा। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिससे काफ़ी सारे उम्मीदें भी हैं। फिलहाल खेल कड्डा में इतना ही। धन्यवाद।